जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही विशेष जानकारी, जो कि माता कालरात्रि और आदिशक्ति शीतला माता क्या एक ही देवी है। दोनों देवियों में कौन कौन सी बातें सामान्य है, आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों देवियों के बारे में प्रमाणिक और सही जानकारी बताने वाला हूँ और जानेंगे कैसा है माता का स्वरूप। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदिशक्ति माता के अनेक स्वरूप है, जिनमें कई प्रकार की देवियाँ मातृका और योगिनियों यक्षिणियों को पूजा जाता है। ये सभी देवियाँ भक्तों को साधकों को शीघ्र सिद्धियाँ प्रदान करती है। सभी देवियों के रूपों का अपना अपना एक कार्य है। सभी देवियाँ एक ही शक्ति माता आदि शक्ति के अंश से उत्पन्न हुई है, पर बहुत से देवी भक्त हैं जो माता कालरात्रि और शीतला माता के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको माता शीतला और कालरात्रि माता में क्या भेद है वो समझा दूंगा, जिससे लोग भ्रमित न हो। तो चलिए दोस्तों दोनों माताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देवियों के उल्लेख के बारे में। शीतला माता और कालरात्रि माता दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली देवी है, साक्षात जगदम्बा स्वरूप है। इनके नाम लेने मात्र से साधकों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माता कालरात्रि का उल्लेख देवी पुराण, सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती पाठ और अन्य तंत्र ग्रंथों में भी मिलता है। नवरात्रि के सातवें दिन यानी सप्तमी जिस देवी को पूजते हैं वे और कोई नहीं देवी कालरात्रि ही है। उसी प्रकार माता शीतला का भी दिन सप्तमी माना गया है। देवी कालरात्रि को माता दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। देवी कालरात्रि के इस रूप से सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और देवी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाती है। ये देवी का तांत्रिक तथा तामसिक उग्र रूप है। देवी का ये रूप दानवों के वध के लिए हुआ था। उसी प्रकार देवी शीतला संसार के सभी रोगों का नाश करने वाली शक्ति है और देवी शीतला को भी उग्र देवी माना जाता है, पर शीतला माता को केवल सात्विक वैदिक रूप से पूजा जाता है। देवी कालरात्रि का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। एकविनी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैला भयक्त शरीरिणी वाम पादो लल्सल्लो हलता कंटक भूषणा वर्ध नमूर्ध ध्वजा कृष्ण कालरात्रि रभयन करी। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्रित होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभनकारी भी है तथा ये अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए भयंकरी बन जाती है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। इस प्रकार देवी कालरात्रि का स्वरूप है। और माता शीतला के ध्यान मंत्र के अनुसार वंदे शीतला देवी रास भास्था दिगम्बराम माजनी कलशो पेता सूरपल इनकृत मस्तकाम। माता शीतला भी गर्दभ यानी गधा पर सवार रहती है और वे भी दिगंबरा है। देवी सुंदर स्वरूप वाली है, नीम के पत्ते धारण करती है। देवी शीतला चार भुजा वाली है और सूप से अलंकृत मस्तक वाली है। झाड़ू कलश सूप और नीम के पत्ते धारण करती है। देवी कालरात्रि और माता शीतला दोनों को ही नीम के पत्ते पसंद है। दोनों ही देवियों को नीम के पत्ते की माला चढ़ाई जाती है। साथ ही दोनों देवियों की पूजा में बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। दोनों देवियों को नींबू की माला भी चढ़ाई जाती है। जैसा कि माता शीतला को शीतल भोग प्रिय है, उसी प्रकार देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। देवी शीतला की सात्विक और तांत्रिक पद्धति से पूजा करके प्रसन्न किया जा सकता है, पर कालरात्रि देवी को सबसे ज्यादा तांत्रिक पद्धति से पूजन किया जाता है और साधारण पूजन से देवी को संतुष्ट कर सकते हैं। देवी शीतला को नारियल बलि दे सकते हैं, पर कालरात्रि माता को तामसिक बलि भी प्रदान की जाती है। पौराणिक तौर पर दोनों देवियों के मुख्य स्थान काशी में है। बहुत बातें देवी कालरात्रि और माता शीतला में समान है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि माँ शीतला और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है।
हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है, पर वास्तविक रूप देखे तो सभी देवी रूप एक ही अंश से प्रकट होते हैं। ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि माता शीतला का ही उग्र और तांत्रिक रूप कालरात्रि माता है और माता कालरात्रि का ही सौम्य रूप शीतला माता है। इस प्रकार दोनों देवियों में समानता है जिनके कारण लोग भ्रम में पड़ते हैं। आशा करता हूँ आपको कालरात्रि माता और आदिशक्ति शीतला माता से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।